हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी सूजी मैंगो केक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए। मैं रिंकी, मेरा चैनल है रुकू किचन। देखिए कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है सूजी मैंगो केक। खाने में भी बहुत टेस्टी और बनाने में भी बहुत इजी है। आइए हम बनाने चलते हैं। मैंने एक आम ले लिया है, उसको मैं छील के पीस पीस काट लूँगी। अब मैं एक जार लूँगी, उसमें एक कटोरी सूजी वो डाल दूँगी। एक कटोरी, जिस कटोरी से आप सूजी ले उसी कटोरी से चीनी, रिफाइंड वाल सब ले, एक कटोरी चीनी डालूँगी। और मैं अब इसमें थोड़ा सा दही यूज कर रही हूँ और जो मैंगो मैंने छिल के रखा था वो डाल दूँगी। और एक कटोरी रिफाइंड ऑयल वो डाल के इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनती है सूजी मैंगो केक। आप लोग अपने बर्थडे में भी बना सकते हैं। देखिए पेस्ट कितना अच्छा तैयार हो चुका है। इसको मैं फूलने के लिए रख दूँगी, 10-15 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दूँगी। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से पेस्ट बनाए। अब इसको ढक देते हैं। तब तक मैं अगला प्रोसेस का तैयारी कर रही हूँ। कुकर को गर्म होने के लिए मैं गैस पर रख दे रही हूँ। तब तक ये गर्म होगी, उसमें मैं स्टैंड भी रख दे रही हूँ। अब इसको मैं ढक दूँगी। अब ढक्कन भी लगा सकते हैं। ढक्कन नहीं लगाने का मन है तो उसके ऊपर प्लेट रख दे, जो आप नहीं ले रहे। देखिए सूजी फूल के रेडी हो गया है। 10-15 मिनट के लिए मैंने फूलने के लिए डाल दिया था। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, दोनों ऐड करके इसको एक ही डायरेक्शन में मिला है। ज़्यादा नहीं मिला है, नहीं तो इसका जो बबल्स है वो ठीक से स्पंजी नहीं हो पाएगा। अब मैं इसमें पैन में थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें बटर पेपर नहीं है इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा मैदा चारों तरफ फैला देते हैं, क्योंकि केक जब बनके आसानी से निकल जाए। अब मैं इसमें जो बेटर बनाई हूँ वो डाल दे रहे हैं। देखिए कितना अच्छा थिकनेस है। सारे बेटर को इसमें डाल दिया। अब इसको मैं कुकर के अंदर डाल दूंगी। अब इसको मैं बेक होने देती हूँ 35 से 40 मिनट। इसको अच्छे से ढक लेंगे, बीच में एक बार चेक कर लेंगे। अभी नहीं, 20 मिनट के बाद मैं चेक कर लूँगी। इसको अच्छे से ढक दिया है। अब ढक्कन भी लगा सकते हैं उसका, रबड़ और रबड़ निकाल के। देखिए स्पॉन्जी हो रहा है ना, अभी ये हुआ नहीं है, बस चेक करने के लिए मैं हटाई थी। देखिए कितना स्पॉन्जी हुआ है सूजी मैंगो केक। अब मैं इसमें चाकू के सहारे देख लेती हूँ, अभी अंदर से ये कच्चा ही है, अभी पूरी तरह से पकी नहीं है। देखिए कितना स्पॉन्जी और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब फिर मैं इसे चेक कर ले रही हूँ, क्लीन निकली है पूरा चाकू। अब ये केक बन के रेडी हो गया है। गैस को बंद कर दे रही हूँ। अब इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। है ना आसान रेसिपी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो। अब इसको ठंडा होने देते हैं।
इसको मैं चाकू के सहारे साइड साइड से इस तरीके से निकाल लूँगी। देखिए कितना अच्छा से ये पैन से अलग हो रहा है। इसको मैं इस तरीके से पलट दूंगी। है ना यम्मी डिश, स्पॉन्जी बन के रेडी हुआ है। देखिए